पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था, इंडिया में भी चल रहा था, सब मार्केट बंद थी, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का बुरा हाल चल रहा था। लेकिन लॉकडाउन में उससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने कहा था कि लॉकडाउन के बाद इससे भी बुरा हाल होने वाला है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का, लेकिन उसका उल्टा ही हो रहा है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी है लॉकडाउन के बाद। खबर ये है कि हीरो मोटोकॉर्प ने सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचने का रिकॉर्ड बना दिया है और बजाज ऑटो ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक के एक बात रिकॉर्ड बने रहे। सिर्फ टू व्हीलर ही नहीं, फोर व्हीलर में भी ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही है। मारुति सुजुकी ने भी बहुत सारी गाड़ियाँ बेच दी। हीरो मोटोकॉर्प ने 800,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ बेच दी अक्टूबर क्वार्टर के अंदर। एक से एक रिकॉर्ड बन रहे। ये कैसे हो रहा है कि गाड़ियों की सेल अचानक से बढ़ गई? मैं पिछले एक घंटे से इस हाईवे पर हूँ। पहले 5-5 मिनट पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस जाती थी, लेकिन एक घंटे में सिर्फ मुझे एक ही बस दिखी, वो भी बिल्कुल खाली थी। ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ट्रेन अभी भी बंद है, मेट्रोज बंद है। अगर लोगों को ऑफिस जाना है तो कहाँ से जाया जाए? वो देखो, उस पर्पल अंडरवेयर वाले ने भी गाड़ी नहीं ली है, ऐसा दिख रहा है। गाड़ी से ज़्यादा अंडरवेयर चमक रही है। बहुत ही सस्ते लोन मिल रहे हैं। अगली खबर टाटा ग्रुप की है। टाटा ग्रुप ने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 5,000 करोड़ इन्वेस्ट किए। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट स्कीम है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि फॉक्सकॉन जो आईफोन बनाने वाली कंपनी है, उसके साथ भी इनका टाई अप हो सकता है। अगर ये टाई अप हो गया तो शायद से आईफोन के कंपोनेंट्स भी टाटा बना सकता है। अगली खबर एक पुणे की स्टार्टअप कंपनी से। उन्होंने कुछ प्रोटेक्ट नाम का एक सैनिटाइजर सिस्टम बनाया है, उसका पेटेंट भी तैयार हो चुका है। अभी तक पता नहीं चला वो क्या प्रोडक्ट है। अगर वो प्रोडक्ट होगा तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पर ही होगी। इस कंपनी का नाम है यूई इन्वेंट सिस्टम LLP। अगली खबर L&T ग्रुप की है। L&T ग्रुप को बुलेट ट्रेन बनाने के लिए बहुत बड़ी डील मिल चुकी है। तकरीबन 25,000 करोड़ की ये डील है। अगली खबर युवराज सिंह की है। युवराज सिंह ने कहा है, मैं आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ स्टार्टअप कंपनीज में। एक साउथ इंडियन स्टार है विजय देवरकोंडा, उन्होंने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में। अभी बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आ चुकी है, लोन भी सस्ते मिल रहे हैं। उस पर्पल अंडरवेयर वाले ने भी गाड़ी खरीद ली, एंड व्हाट अ कॉइंसिडेंस, मैंने भी पर्पल लंगोटी पहना है। सस्ते लोन मिल रहे हैं, क्यों ना एक गाड़ी खरीदी जाए। तो अगला वीडियो होने वाला है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल रिव्यू।